दोस्तों आज है दशहरा और हम लोग आज दशहरा मनाएंगे। अरे हाँ, आज हम सब लोग मिलके जाएंगे मेला देखने। अरे हाँ, लेकिन एक मिनट, नियो भैया कहाँ पर है? अरे नियो भैया को तो उठाओ। नियो भैया, अरे हट जाओ मेरे सामने से बस आओ। अरे नियो भैया फटाफट से उठो, आज दशहरा है। अरे हाँ उठो उठो, ये तो देखो यहाँ पर घोड़े बेच के सोया है। अरे आई चिकनी चमेली छुपके अकेली पौवा चढ़ा के आई। ये क्या, यहाँ पर तो नियो भैया सोते सोते भी गाना गाते। अरे उठो ना नियो भैया। अबे क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचाया तुम सबने? आपने तो कहा था कि दशहरे में आप हमें घुमाने के लिए ले जाओगे। ओ शिट शिट यार, मैं तो भूल ही गया था कि आप दशहरा है। अबे हट बे मसाओ के बच्चे मेरे सामने से। फटाफट से ना के आओ कलवे, उसके बाद हमें मेला घुमाने ले जाना। चलो निया भैया, अब बताओ हमें कहाँ घुमाने के लिए ले जाओगे? अबे यार मुझे तो कुछ पता नहीं कि आज का प्लान क्या है। अरे कुछ ना कुछ तो प्लान होगा आपके दिमाग में। अरे मैं तो कहता हूँ कि हमें मेला घुमाने ले जाओ। अरे नहीं यार, मेला घुमाना बहुत बोरिंग है। हाँ एक मिनट, वैसे नोबिता का बच्चा कहाँ चला गया? आप उसकी टेंशन मत लो, वो ऊपर पढ़ाई कर रहा है, कल उसका एग्जाम है ना। अबे क्या बोल रहा है, नोबिता बीमार बीमार है क्या जो आज पढ़ाई कर रहा है? अरे बिल्कुल नहीं, वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है आजकल, उसे फर्स्ट जो आना है। हाँ मुझे लगता है कि शिनचान का बच्चा पढ़ के फर्स्ट आ ही जाएगा। अरे यार लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, एक काम करता हूँ गाइस, मैं देख के आता हूँ। ओहो ये देखो दोस्तों, तुम्हारा नोबिता कितना पढ़ रहा है। अरे ये कैसे, तो हमारी बेइज्जती करा दी। अरे मुझे तो लगा था ये पढ़ रहा है लेकिन ये तो सो रहे हैं। चलो गाइस यहाँ पर नोबिता को उठाते। अबे ये क्या, ये तो अभी तक सोया हुआ है, एक काम करते थोड़ा जोर के बोलते। अरे क्या हुआ क्या हुआ, अरे बाप मैंने कुछ नहीं करा, मैं इस बारी पक्का पास हो जाऊंगा। अरे ये क्या, मैं कहाँ पढ़ूं? अरे दोस्तों तुम इतनी चौके चिल्ला क्यों रहे थे, तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी। यहाँ पर तुम्हें पता नहीं आज क्या है? अरे हाँ मुझे पता है आज दशहरा, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि कल मेरा एग्जाम है, इसलिए मैं कहीं भी नहीं जा सकता। मैं घर में बैठ के ढेर सारी पढ़ाई करूंगा और फर्स्ट आऊंगा। हमने देख लिया था तुम कितना पढ़ते हो, तुम कुछ भी नहीं करते हो, इसलिए हमारे साथ घूमने चलो। अरे हाँ नोबिता, इतना भी नखरा मत करो यार, वैसे भी तुम फेल हो जाओगे, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा। अरे प्लीज प्लीज हमारे साथ चलो ना नोबिता। अरे बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा मसा। आना चलाओ ना प्लीज प्लीज प्लीज। अबे ये क्या होगा, मुझे धक्का क्यों दे रहा है बेवकूफ। चल ठीक है मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन हमें जल्दी आना होगा वापस से। अरे हाँ यार उसकी टेंशन मत ले। वैसे गाइस मैं सोच रहा हूँ हम मेला देख रहे नहीं, हम यहाँ पर खुद का रावण बनाएंगे। क्या सच में हम खुद का रावण बनाएंगे? फिर तो मजा आएगा। अरे हाँ लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होगी। अरे यार तू उसकी टेंशन मत ले, रावण बनाने के लिए हमें तीन चीज चाहिए। सबसे पहले हमें लकड़ी चाहिए, उसके बाद हमें घास फूस चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए बम जिससे हम उसे फोड़ेंगे। अरे फिर अभी हम कहाँ जाने वाले? अरे यार सबसे पहले हम जाएंगे लकड़ी लेने के लिए। चलो चलो ये देखो ये रही लकड़ी की दुकान, अब चलो यहाँ से लकड़ी लेंगे। अरे हाँ पहले देख लेते। अरे भैया आपके पास यहाँ पर लकड़ी पड़ी होगी? अरे पर ये दुकान किसकी है तुम्हें देख नहीं रहा, ये है लकड़ी की दुकान, बोलो आपको कौन सी लकड़ी चाहिए, पतली लकड़ी, मोटी लकड़ी, लंबी लकड़ी, छोटी लकड़ी, बोलो किस तरह की लकड़ी चाहिए? अरे यार मुझे यहाँ पर ना रावण बनाना है, उसके लिए मुझे लकड़ी चाहिए। अरे छोटी वाली है 10,000 की और मीडियम वाली है 50,000 की और बड़ी वाली है 1,00,000 की। क्या 1,00,000 की? अबे लकड़ी बेच रहा है या फिर सोना बेच रहा है? अरे भैया दशहरा का दिन है, लकड़ी का रेट बड़ा हुआ है, बोलो लेना है तो लो नहीं तो जाने दो। अरे यार ये तो बहुत महंगी दे रहा है दोस्तों। अरे ले लो ना बड़ी वाली, हम बड़ा रावण बनाएंगे। अबे लेकिन ये बहुत महंगी दे रहा है भाई, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। यही ले लो ना गरीब कहीं के, दशहरा साल में एक बार तो आता है। हाँ वैसे बात तो तेरी भी सही है, ये लो भैया 1,00,000 रुपए और हाँ इसको मेरे घर के पास जो पार्क है ना वहाँ पर डिलीवरी कर देना। अरे आप डिलीवरी की टेंशन मत लो, अरे आपसे पहले आपका सामान पहुँच जाएगा। चलो गाइस यहाँ पर हमने लकड़ी तो ले लिए 1,00,000 रुपए की, अब हम जा रहे हैं यहाँ पर घास फूस लेने। अरे हाँ घास फूस लेंगे ताकि रावण को पूरा घास फूस से भर देंगे। चलो फिर फटाफट से घास फूस की दुकान में। अरे चलो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं घास फूस की दुकान में और यहाँ पर हम घास फूस लेंगे। देखते यहाँ पर घास फूस कितने की मिलेगी। अरे हाँ यार वैसे भी मैं यहाँ पर कंगाल हो चुका हूँ। अरे भैया यहाँ पर मुझे घास फूस चाहिए थी। अरे बहुत ही सही मौके पे आए हो, ताजा घास कटी है ले जाओ इसको। अरे हाँ लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा घास चाहिए। अरे जितनी मर्जी ले जाओ, आप बोलो आपको कितने का चाहिए। अरे कम से कम 50,000 का दे दो। मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। अरे वाह ये क्या यहाँ पर गाय है, चलो इसे फटाफट से घास खिलाता हूँ। ये लो मैया रानी घास खाओ घास खाओ और पोटी करती जाओ करते जाओ। अरे ये मेरे सर पर गरम गरम से क्या लग रहा है? अरे ये क्या, ये तो गाय का पूप है। अरे मसाओ क्या हुआ, पागलों की तरह भाग के रहो। अरे मेरे सर पे क्या है ना पूप कर दिया। अरे मैं टकला हो जाऊंगा, मेरे सर पे बाल नहीं आएंगे। अरे कोई बचाओ बचाओ।
भैया तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने कभी गाय का पूप देखा नहीं है। अरे इसे माफ करना, ये बच्चे लोग भी ना आपको बेमतलबी परेशान कर रहे हैं। अरे बच्चे लोग क्या हो गया, तुम इतना परेशान क्यों कर रहे हो अंकल को? चलो चुपचाप से अंकल को सॉरी बोलो। अंकल अरे अरे कोई बात नहीं, सॉरी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है बच्चे शैतान होते हैं। बोलो आपको कितने का घास फूस दूं? अरे कम से कम 50,000 का दे दो। अरे चलो गाइस अब हमने घास फूस भी ले लिए, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अरे बुद्धू अब हम जा रहे बम पटाखे लेने। देखो सामने है बम की दुकान। अरे वाह यहाँ पर तो कितने बड़े बड़े बम है। अरे जितने बड़े बम होंगे उतने खतरनाक होंगे, और जितने खतरनाक होंगे उतने महंगे भी होंगे। कंजूस करके पैसे के पीछे मत मरो यार, दशहरे को हमने धूमधाम से मनाना है। अरे हाँ हाँ इसके लिए चाहे तो मैं गरीबी क्यों ना हो जाऊँ। अरे भैया यहाँ पर बम के रेट क्या है? पाजी छोटे वाले हैं 100 रुपए के, और बड़े वाले मिलेंगे आपको 200 के, लेकिन जो सबसे बड़े हैं वो आपको मिलेंगे 10 लाख के। क्या 10 लाख के? अबे पागल है क्या, बम दे रहा है या फिर मुझे हीरे जवाहरात दे रहा है? अरे पाजी एक बार लोगे तो मजा आ जाएगा। चल ठीक है भाई, यहाँ पर तू मुझे सबसे बड़े वाले बम दे, और एक नहीं यहाँ पर 4-4 बम दे। अरे ये हुई ना बात नहीं है भैया। अरे भाई अब तो हमें यहाँ पर खतरनाक बनाने वाला हूँ रावण को। चलो फटाफट से बैठो और चलते हमारे पार्क में। ये क्या सामने की तरफ देखो वहाँ पर तो कुछ है। अरे ये क्या हमारा सामान आ गया नहीं भैया? अबे देखना कितना ज्यादा सामान है, अब मजा आएगा यहाँ पर रावण बनाने में। अबे ये देख यहाँ पर कितने ज्यादा लोग आ चुके हैं। और इसमें क्या है, मुझे लगता है कोई रावण बनाने वाला। अरे देखो ना सब लोग तो हमारी ही बातें कर रहे। अरे हाँ यार यहाँ पर हम सबके लिए बहुत बड़ा रावण जो बनाने वाले, सब लोग बहुत खुश लग रहे हैं। तो होंगे क्योंकि हम लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा रावण बनाने वाले। अबे एक मिनट ये चिरकुट यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे ये क्या, ये तो यहाँ पर सिगरेट पी रहा है वो भी बड़े मजे से। अबे ये ले, इसे पता नहीं है कि सामने बम है, अगर फट जाता तो। कितने बेवकूफ लोग हैं यार। चलो गाइस यहाँ पर फटाफट से अपने रावण बनाने का काम शुरू करते हैं। इसे बहुत टाइम लगेगा। और देखो गाइस हमारा रावण बनकर रेडी भी हो चुका है। यार लग रहा है ना कितना ज्यादा झकास। गाइस इस रावण के लिए तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो। लेकिन गाइस यहाँ पर मजा अभी नहीं आएगा, मजा आएगा रात को। तो मिलते हैं आप सभी से रात को। A few moments later. और देखो ना यहाँ पर कितने ज्यादा लोग आ चुके। और देखो हमारा रात को रावण कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अरे चलो गाइस अभी यहाँ पर टाइम हो चुका है, नियो भैया इस रावण को उड़ाने का समय आ चुका है। अरे हाँ यार इस टाइम का तो मैं कब से वेट कर रहा था। चलो गाइस आप भी मेरे साथ इसका मजा लो। अरे हाँ जैसे यहाँ पर रावण फूटेगा आपको फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबाओ। चलो फिर मिसाइल मारो नियो भैया। और ये देखो गाइस मेरी मिसाइल गई, और ये देखो कितना बड़ा धमाका हुआ। ये रावण तो पूरा का पूरा जल चुका है, हुर्रे। और देखो ना यहाँ पर तो लोग कितने ज्यादा खुश है। अरे गाइस हमने तो रावण को जला दिया और हमें बहुत मजा आया। अरे हाँ तो गाइस अगर आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटी भी दबाओ, क्योंकि आने वाली वीडियो इससे भी धमाकेदार होने वाली है।